नमस्कार, मैं रेणु कुमारी, पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद ही हो जाएगा। लेकिन चुनाव नतीजे से पहले आए एग्जिट पोल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को खुश कर दिया है, और हो भी क्यों ना, आखिर सत्ता की लड़ाई में दोनों पार्टी में कांटे की टक्कर जो है। राजस्थान, एमपी में सभी एग्जिट पोल बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर बता रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार या बढ़त दिख रही है तो कुछ कांग्रेस आगे दिख रही है। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार के पक्ष में है, हालांकि इन आंकड़ों ने बीजेपी भी ज्यादा पीछे नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से अगर बात की जाए तो कांग्रेस बीजेपी को कांटे की टक्कर दे रही है। ऐसे में बीजेपी की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। यही वजह है कि पूर्व सीएम रमन सिंह छत्तीसगढ़ में जीत का दावा कर रहे हैं। इंडिया टुडे एग्जिट माई इंडिया एग्जिट पोल में कांग्रेस बीजेपी से थोड़ा आगे दिख रही है। इसके मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को 86 से 106, बीजेपी को 80 से 100 और अन्य खातों में 9 से 18 सीट जा सकती है। मतलब कांग्रेस राजस्थान में 30 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़कर वापसी कर सकती है। इस बीच जनता से जब पत्रकारों ने बात की तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा रहा जिसे सरकार अगर अमल करती तो शायद उन्हें ये शब्द नहीं बोलने पड़ते। क्या रहा इस पर पब्लिक रिएक्शन, चलिए बताते हैं। दरअसल 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद जब पब्लिक के बीच 4 PM न्यूज पहुंची तो बात करने के दौरान एक व्यक्ति ने बीजेपी पार्टी पर दावा करते हुए कहा कि मोदी जी जेल जाएंगे, योगी जी भी जेल जाएंगे, विकास खत्म हो गया है, नौकरियां खत्म हो गई है, ये लोकतंत्र है, जनता का राज है, जनता से ये गरीबी खत्म नहीं कर सकते बल्कि उनका पैसा लूट कर विदेशों में जमा कर रहे हैं। आपको बता दें, इस दौरान जनता ने दावा करते हुए कहा कि अब की बार मोदी सरकार नहीं कांग्रेस की सरकार होगी, क्योंकि अब इस देश को बर्बाद करने के लिए एक और राज्य हम बीजेपी को नहीं दे सकते हैं। ये बात ही तय करता है कि अब की बार इन 5 राज्यों में सरकार किसकी होगी और कौन पार्टी होगी, क्योंकि ये दावा खुद जनता करती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इस पर किसकी सरकार तय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।